हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंपटीशन रूफ चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी नेट का एग्ज़ाम हमारा 25 जून को है, तो उससे पहले पहले हम आपको इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन रहता है सभी रचनाएं आपको रिवाइज करवा रहे हैं। और हमने इससे पहले तीन वीडियो जो है क्रैश कोर्स की प्रोवाइड करवा चुके हैं हम लोग। संत काव्यधारा के जितने भी कवि हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी रचनाएं हैं वो सभी हम लास्ट थ्री वीडियोज़ में समाप्त करवा चुके हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय पढ़ेंगे, और कृष्ण भक्ति से संबंधित जितनी भी रचनाएं हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उनको हम देखेंगे। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आइए, ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है ये क्रैश कोर्स है, तो इसमें हम समझाएंगे नहीं, बस इम्पोर्टेंट चीज़ों को आपको एक बार रिवाइज करवाएंगे। तो सबसे पहले संप्रदाय का नाम है वल्लभ संप्रदाय, और इसके प्रवर्तक आचार्य हैं वल्लभाचार्य। और इसमें कृष्ण का स्वरूप कैसा माना गया है? पूर्णानंद पर ब्रह्मा पुरुषोत्तम इसमें माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्कचार्य हैं इसके प्रवर्तक, इनके नाम से ये संप्रदाय का नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसमें जो है कृष्ण का स्वरूप कैसा माना गया? इसमें राधा कृष्ण की युगल मूर्ति को स्वीकार ये लोग करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार ये पूछा भी गया है कि कौन से संप्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति को स्वीकार किया गया, तो वो है निम्बार्क संप्रदाय। फिर आता है राधा वल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश जो है इसके प्रवर्तक आचार्य हैं। इसमें क्या है, राधा ही प्रमुख होती है, श्री कृष्ण ईश्वर के भी ईश्वर हैं इसमें ऐसा माना जाता है। कि तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिसमें राधा को ही सर्वप्रमुख माना जाता है, तो राधा वल्लभ संप्रदाय। इसलिए इनके संप्रदाय का नाम भी राधा वल्लभ ही है, बस आपको इसके प्रवर्तक आचार्य का नाम याद रखना है, हित हरिवंश। फिर आता है हरिदास संप्रदाय, जिसको सखी संप्रदाय भी बोला जाता है, स्वामी हरिदासी हरिदास के नाम से ही ये संप्रदाय है, और निकुंज बिहारी कृष्ण को इन्होंने स्वीकारा है। फिर आता है गौड़ीय संप्रदाय, जिसको चैतन्य संप्रदाय भी बोला जाता है। मैंने आपको ये याद करवाया था कि चैतन्य महाप्रभु जो है घोड़ी पर चढ़कर बंगाल में गए थे, तो ये श्री कृष्ण को कैसा मानते हैं? ब्रजेंद्र कुमार कृष्ण को रूप इन्होंने स्वीकारा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर हम पढ़ते हैं, देखिए कृष्ण भक्ति धारा में क्या है, अष्टछाप की स्थापना जो वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अष्टछाप की स्थापना किस ईयर में हुई थी, तो 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, और किसने की थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब देखिए, इसके हमें आठों कवि, अष्टछाप में कितने अष्टछाप, का अष्ट का मतलब संस्कृत में होता है आठ, तो आठ कवियों का ये संप्रदाय है। आइए हम उन आठ कवियों को भी जान लेते हैं। इसमें चार वल्लभाचार्य के शिष्य हैं और चार गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य हैं। तो वल्लभाचार्य के शिष्य कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास। देखिए क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सूरदास बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, ठीक है, वल्लभाचार्य के शिष्यों में आते हैं सूरदास, तो आपको याद रखना है कुम्भनदास, सूरदास, परमानंददास और कृष्णदास, जितने भी दास हैं चारों दास किसमें आ गए हैं? वल्लभाचार्य के शिष्यों में आते हैं। फिर आते हैं गोस्वामी विट्ठलनाथ के चार शिष्यों के नाम, इसमें एक दास आया है, बाकी सारे दास कहाँ चले गए हैं? वल्लभाचार्य में चले गए हैं। देखिए गोवंद स्वामी, छीत स्वामी, दो तो स्वामी हो गए, ठीक है, और नंददास इसमें आते हैं, नंददास काफ़ी बार पूछा भी गया है कि किसके शिष्यों में आते हैं, तो नंददास को आप याद रखना है विट्ठलनाथ के शिष्यों में आते हैं। और फिर आते हैं चतुर्भुज दास, तो इस तरीके से आपको ट्रिक से थोड़ा सा याद कर लेना। अब इम्पोर्टेंट ये भी पूछ ली जाती है कि कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा जिन ग्रंथों में हुई है उनके नाम भी पूछ लिया जाता है, कि जिन जिन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा है तो उन राइटर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, तो ये है गोकुलनाथ, इनके रचयिता कौन है? गोकुलनाथ। भक्तमाल किसकी रचना है? ये नाभादास की है। भाव प्रकाश हरि राय। वल्लभ दिग्विजय जो है यदुनाथ, तो आपको ये भी याद रखना है। फिर देखिए हम कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित इम्पोर्टेंट जो कवि हैं उनकी जो जो रचनाएं हैं, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% आएगा, ऐसा मेरा आपसे दावा है। अगर उसने कृष्ण भक्ति धारा से कोई भी क्वेश्चन पूछा तो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छे से इसको रिवाइज कीजिए। तो सबसे पहले आते हैं सूरदास, सूरदास को जो टाइम पीरियड है वो 1478 से 1583 ईस्वी है,
ठीक है। और इनकी तीन रचनाएं बहुत फेमस रही हैं, सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। साहित्य लहरी इनकी नायिका भेद से संबंधित कविता रचना है, ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आपको याद रखना है। फिर आते हैं कुंभन दास। कुंभन दास वैसे बेसिकली सूरदास से पहले के हैं, 1468, 10 साल पहले इनका टाइम पीरियड है। कुंभन दास बड़े हैं सूरदास से। तो कभी कभी नेट के एग्जाम में क्या होता है कि जन्म के आधार पर कवियों का काल क्रम अनुसार लगाने के लिए रचनाएं दे दी जाती है। तो आपको क्या है, आपको इनका टाइम, जन्म और मृत्यु थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो वहां लगाना इजी हो जाएगा। तो कुंभन दास क्या, सूरदास से बड़े हैं। इन्होंने क्या लिखा है, 186 पद संग्रह इनके संकलित है, बस इतना ही है इनके बारे में। फिर आते हैं परमानंद दास। परमानंद दास से रिलेटेड कोई ज्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं नहीं है। कृष्णदास इंपॉर्टेंट है, 1496 से 1578 तक का इनका टाइम पीरियड है। इनकी जो बुक है जुगल मानचरित्र, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। देखिए भ्रमर गीत पर अलग अलग राइटर ने अलग अलग तरीके से बहुत सारी रचनाएं कृष्ण काव्य धारा में लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जुगल मानचरित्र इनकी बुक पूछी गई है कई बार, कृष्णदास की आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं नंददास। नंददास का जो टाइम पीरियड है वो 1533 से 1583 तक है, ठीक है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है इनकी, कोई भी बुक इनकी पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में, तो आपको याद रखना। कई सारी तो इनकी मंजरी हैं, जैसे अनेकार्थ मंजरी, रस मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, है ना, और रास पंचादाई, रास पंचादाई और भंवर गीत बहुत बार इनकी बुक पूछी गई है, और रस मंजरी भी इनकी बहुत बार बुक पूछी गई है। तो आपको क्या है, ये सारी इंपॉर्टेंट कविताएं जो है इनकी याद रखनी है, बिल्कुल रचनाओं को भूलना नहीं है, छोड़ेंगे नहीं फ्रेंड्स हम कुछ भी, सब कुछ रिवाइज करेंगे, और आप बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। बाकी इनकी जैसे शाम सगाई भी एक बार पूछी गई है किसी के एग्जाम में, प्रेम भारा खड़ी, शाम सगाई, भंवर गीत, भंवर गीत बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, आपको भूलना नहीं है, नंददास की है। रास पंचादाई और भंवर गीत दोनों इंपॉर्टेंट है, और रस मंजरी, ये तो बिल्कुल नहीं गलत करनी है। सिद्धांत पंचाध्यायी भी है इनकी, गोवर्धन लीला और नंददास पदावली, ये आप कर लेंगे। गोविंद स्वामी की कोई बहुत विशेषताएं रचनाएं नहीं है, चित स्वामी की भी नहीं है, बट आप फिर भी देख लिए। और जो चतुर्भुज दास है लास्ट है अष्टछाप के कवि, 1530 से 1585 तक का टाइम पीरियड है। तो अगर आपसे इनका टाइम पीरियड लगाने के लिए आ भी जाता है तो आपको पहले वल्लभाचार्य के शिष्यों को लगाना है और बाद में विठ्ठलनाथ के शिष्यों को लगाना है, क्योंकि जो विठ्ठलनाथ थे वो वल्लभाचार्य के ही पुत्र थे, ठीक है, तो उनके जो शिष्य है वो बाद में ही हुए होंगे, है ना। तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस करके भी वहाँ पे काल कर्म के जो क्वेश्चन आते हैं नेट में वो आपको सही करने हैं, गलत नहीं करने हैं, ठीक है। फिर आते हैं श्रीभट्ट। श्रीभट्ट का जो रचना काल टाइम पीरियड दिया गया है यहाँ पे 1595। युगल शतक इनकी काफ़ी फेमस रही है, 100 पद इन्होंने उसमें लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं, हित हरिवंश की जो फेमस है वो हित 84 फेमस है, ये पूछी भी गई है। चतुर्भुज दास जो इसमें दिया गया, राधा वल्लभी संप्रदाय के, द्वादश यश इनकी पूछी गई है। और फिर आता है ध्रुवदास। ध्रुवदास का जो टाइम पीरियड है वो 1573 से 1643 तक का, इन्होंने लगभग 42 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें कुछ फेमस है जैसे देख लेते हैं, ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला, रंग विनोद लीला, दान लीला, मान लीला, ठीक है, रहस्य मंजरी लीला, सुख मंजरी लीला, सिद्धांत विचार लीला। तो आप लीला याद रखना, ध्रुवदास के रचनाओं के लगभग पीछे क्या लगा हुआ है, लीला वर्ड लगा हुआ है, तो आप इससे थोड़ा सा वहाँ पे पहचान सकते हैं। स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास की दो ही बुक फेमस है, सिद्धांत के पद और केलीमाल, ये आपको याद रखना है। फिर आते हैं राम राय। राम राय ने आदिवाणी और गीत गोविंद भाष्य भी लिखा है, बाकी रचनाएं अभी तक पूछी नहीं गई हैं, बट हम फिर भी देख लेते हैं। मीरा भाई की बहुत इंपॉर्टेंट है। मीरा भाई का जो टाइम पीरियड है वो 1504 से 1563 तक का टाइम पीरियड है। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने स्फुटपद लिखे हैं, नरसी जी का मायरा और गीत गोविंद टीका, राग सोरठा, ये इनकी काफ़ी फेमस है। और अभी नवोदय का जिस बच्चे ने एग्जाम दिया होगा उसमें भी मीरा भाई की एक रचना अभी पूछी गई है, नरसी जी का मायरा जो है ये पूछी गई है बुक नवोदय 2019 में, तो भूलना नहीं है। बहुत ज़्यादा भी इनकी बुक्स नहीं है लेकिन दो तीन हैं, उनको आपको गलत भी नहीं करना है। तो नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा हो गया। रस खान बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कवि हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा के, 1533 से 1618 तक का इसका इनका टाइम पीरियड है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। देखिए इसमें से सुजान रसखान, सुजान पूछा गया, सुजान इनकी प्रेमिका थी, उसी के वियोग में इन्होंने ये लिखा है, और अष्टयाम भी इनकी ये पूछी गई है, और प्रेम वाटिका भी पूछी गई है। तो ये काफ़ी फेमस राइटर है, आपको भूलना नहीं है इसकी इनकी कविताओं को। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, तो ये इनकी रचनाएँ हैं।
फिर देखिए हम थोड़ा सा भ्रमर गीत के बारे में जान लेते हैं। तो भ्रमर गीत जो है सूर सागर का सर्वाधिक मरम स्पर्शी वाद वैगदेय पूर्ण अंश है। देखिए भ्रमर गीत जो है सूरदास जी ने लिखा था सबसे पहले, और किस उसमें लिखा है इन्होंने, सूर सागर में। मैंने अभी इनकी तीन रचनाएं आपको बताई थी, साहित्य लहरी, सूर सागर और एक और रचनाएं मैंने अभी बताई थी। तो उसमें जो भ्रमर गीत का जो वर्णन है वो सूर सागर रचना में किया गया है, जिसमें क्या है, गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। यह एक अत्यंत सुंदर उपालंब काव्य है। देखिए उपालंब कई बार पूछ लिया जाता है किसको बोला जाता है, उपालंब काव्य किसे बोला जाता है, भ्रमर गीत को बोला जाता है। उपालंब क्या होता है, बेसिकली उल्हाना देना। इसमें क्या होती है, उद्धव जो है गोपी संवाद के माध्यम से निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन किया जाता है। इसमें जो है उपालंब देती हैं जो गोपियाँ होती हैं, जब उद्धव उनको समझाने के लिए आता है तो वो उल्टा ही उनसे ही उलाना देते हुए श्री कृष्ण की शिकायत करती हैं, या उनके निर्गुण जो वो निर्गुण का ज्ञान देने आया था उनको, वो उल्टा उनको ही समझा देती हैं और सगुण का सगुण विचारधारा का ही वो समर्थन करती हैं। तो भ्रमर गीत के कुछ फेमस पद हैं ये सूरदास के, ये आपको याद रखना, कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं कि ये पंक्तियाँ किसकी हैं। तो निर्गुण कौन देश को वासी, भ्रमर गीत की है ये भी। प्रीति करी दिनी गरे छुरी, देखो निर्गुण कौन देश को वारी कई बार पूछी गई है। उर्मे माखन चोर अड़े, ये भी बहुत फेमस है। अखियां हरी दर्शन की भूखी, ये भी पूछा गया है। संदेशो देव की सो कहियो, काहे को गोपीनाथ कहावत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और गोकुल सबे गोपाल उपासी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, ये भी जो है गोपियां बोलती हैं उद्धव को जब उनको समझाने के लिए जाता है तो वो उनको उलाना देते हुए ऐसे बोलती हैं, आयो घोष बड़ो व्यापारी। देखियत कालिंदी अतिकारी, उदो मोही ब्रज विस्तृत नाही। तो आप इस तरीके से इनकी 10 से 11 हैं भ्रमर गीत की, ये आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए भ्रमर गीत से रिलेटेड अलग अलग राइटर्स ने जो है अलग अलग तरीके से रचनाएं लिखी हैं, तो हम जान लेते हैं। अभी मैंने बताया था भ्रमर गीत किसने लिखा है, सूरदास जी ने लिखा है, और भागवत के दशम स्कंद पर ये आधारित रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या बोला, इनके सूरसागर के इस भाग को भ्रमर गीत सार नाम से संकलित किया है। मतलब ये भ्रमर गीत सार किसने नाम दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देखो आपको तीनों चीज़ें से रिलेटेड याद रखनी है, भ्रमर गीत किसका है, सूरदास का है, सूरदास मतलब कहाँ से उठाया गया, ये भागवत के दशम स्कंद से उठाया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। और किस रचना में इसका वर्णन है भ्रमर गीत का, ये भी आपको याद रखना है। तो सूरसागर में इसका इम्पोर्टेंट वर्णन है। और सूर की गोपियाँ कैसी है, अत्यंत भावुक अधिक हैं और वो तर्कशील कम है, यानी कि वो इमोशंस में आके काफ़ी बातें करती हैं और तर्क जो है अपना दिमाग जो है वो बहुत कम लगाती हैं, ठीक है। फिर आता है भंवर गीत। भंवर गीत मैंने अभी बताया था नंददास ने लिखा है, ये भी भ्रमर गीत परंपरा पे ही लिखा गया लिखी गई रचना है। इसमें दार्शनिकता का पुट है, गोपियाँ यहाँ पे नंददास की कैसी अधिक तर्कशील हैं। देखिए इन चीज़ों का बड़े ध्यान से सुनिए, कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सूरदास की गोपियाँ कैसी हैं, नंददास की गोपियाँ कैसी हैं। सूरदास की गोपियाँ जो है काफ़ी भावुक है, जबकि नंददास की गोपियाँ कैसी है, अत्यंत तर्कशील हैं। बौद्धिक स्तर उनका कैसा है, उच्च कोटि का है, मतलब वो भावनाओं में आके बातें नहीं करती हैं, वो तर्क लगा के बातें करती हैं। फिर आता है भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरतन। देखिए ये नेट के 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था, भ्रमरदूत आपको याद रखना है। तो ये किसने लिखा है, सत्यनारायण कविरतन ने लिखा है। इसमें वात्सल्य वियोग का काव्य है ये। युगिन समस्याओं का इसमें चित्रण किया गया है, माता यशोदा को भारत माता के रूप में चित्रित किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्वदेश प्रेम, राष्ट्रीयता, स्त्री शिक्षा का उल्लेख किया गया है। देखिए क्योंकि सत्यनारायण कविरतन जो है वर्तमान के कवि हैं एक तरीके से, तो इन्होंने युगिन समस्याओं से प्रभावित होकर जो है भ्रमरदूत को लिखा है। प्रिय प्रवास काफ़ी फेमस है ये, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। राधा लोक हितकारिणी के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है, राधा की परोपकारिता, विश्व बंधुत्व, लोक कल्याण वृत्ति को यहाँ पे चित्रित किया गया। और प्रिय प्रवास को जो है खड़ी बोली का पहला महाकाव्य भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आता है उद्धव शतक। उद्धव शतक भी पूछी गई रचना है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये बुक है, ठीक है, आपको इसको बिल्कुल भूलना नहीं है। भक्तिकालीन आख्यान एवं रीतिकालीन कलेश्वर का समन्वय है इसमें उद्धव शतक में, ठीक है, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा, आपको इनके याद रखने हैं। तो भ्रमर गीत से रिलेटेड 4-5 रचनाएं हैं, आपको भूलना नहीं है इसको। अब देखिए कृष्ण काव्यधारा में सूरदास जो है काफ़ी फेमस राइटर है, तो उससे संबंधित मैं कुछ फैक्ट आपको आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपको भूलने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से सूरदास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए आपके सारे कवर हो जाएंगे यहाँ से। देखिए सूरदास का जो जन्म है वो वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535, इतना आपको याद नहीं रखना, बस ईयर आपको देखना है 1535। और ये कुम्भनदास जी वल्लभाचार्य से 10 दिन ही छोटे थे, बस ऐसा माना जाता है।
बाकी सूरदास के जन्म से रिलेटेड काफ़ी मतलब अलग अलग लोगों ने इनका अलग अलग स्थान माना है। देखिए गऊ घाट यानी कि रूनकता जो है श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका ये स्वीकारा है, जबकि सीही किस किस ने माना है इनका जन्म स्थान, वार्ता साहित्य डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्र गुप्त ने। यहाँ आपसे अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, क्वेश्चन आगे आएंगे। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया था। देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि सूरदास को जो है भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश किसने दिया था, तो वल्लभाचार्य जी ने दिया था। और ये जो पंक्तियां हैं जो अभी मैं बोलने जा रही हूँ ये भी वल्लभाचार्य की हैं सूरदास के लिए। सूर है कि गिगियात काहे कु है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। इसका मतलब यही है कि आप भगवत लीला का भी वर्णन करो, ठीक है। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें से कि 3 ही उपलब्ध हो पाए हैं वैसे, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। इंपॉर्टेंट है तीनों, आपको अच्छे से याद रखने हैं। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता से 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ था, ठीक है। अब आगे देखें, इनसे रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण चीज़ें और भी हैं इनकी रचनाओं से रिलेटेड। सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य मैंने अभी बताया था भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूर सागर में कितने हैं, 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। आपको स्कंद याद रखना है, पद भले ही ना याद रखो, सूर सागर में 12 स्कंद हैं। सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। तो भ्रमर गीत किससे संबंधित है, सूर सागर से संबंधित है। प्रथम भ्रमर गीत और शेष 2 भ्रमर गीत अलग अलग हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक में किया गया। देखो श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद है और अध्याय कौन सा है, 47 है, ये आपको याद रखना है। भ्रमर गीत का सबसे पहला जो पूर्ण प्रसंग है उन्होंने सारा का सारा कहाँ से उठाया है, श्रीमद् भागवत से उठाया है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन किसने किया था और भ्रमर गीत चलाया भी किसने था, सूरदास जी ने ही किया था। तो अगर पूछ ले आपसे कि भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तक कौन है, तो सूरदास को ही माना जाता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, भ्रमर गीत में कुल कितने हैं, 700 पद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भ्रमर को 3 रूपों में दिखाया गया है, कृष्ण का प्रतीक भी दिखाया गया है, उद्धव का प्रतीक भी दिखाया है और स्वतंत्र रूप भी दिखाया गया है। भ्रमर गीत को उपालम्ब काव्य भी कहा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य भी कहा है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि किस आचार्य ने जो है भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है इसको ध्वनि काव्य कहा है। सूर सारावली में कितने छंद है, 1107 छंद है और इसमें इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। देखिए ये भी पूछ लिया जाता है कि सूरदास की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें संसार को होली का रूपक माना गया, तो सूर सारावली, ये भी आपको याद रखना है। साहित्य लहरी, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट क्वेश्चन है नेट में। अलंकार और नायिका भेदों के इसमें उदाहरण दिए गए, तो पूछ सकता है आपसे कि नायिका भेद से संबंधित साहित्य लहरी कौन सी सूरदास की रचना है, तो वो साहित्य लहरी है। अब देखिए इनके संबंध में अलग अलग राइटर ने कुछ बातें बोली है, हमें सभी तो नहीं करना, लेकिन 2-3 राइटर जो है जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी, राजचर्य, रामचंद्र शुक्ल, इनकी बातों को हमेशा पूछा जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है इनके भ्रमर गीत के बारे में, जैसे वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं, इन क्षेत्रों का कोना कोना वो झांका है। देखिए सूरदास को माना जाता है कि वो जो है अंधे थे, फिर भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है कि वात्सल्य और श्रृंगार का उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है कि जो मतलब अपनी बंद आंखों से भी उन्होंने इतना अच्छा वर्णन किया है, तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर की बड़ी भारी विशेषता नवीन प्रसंगों की उद्भावना, इस बारे में उन्होंने लिखा है, प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। यहाँ पे उन्होंने तुलसीदास से उनकी कंपैरिजन की है, ये भी याद रखना है कि नवीन प्रसंगों को जिस तरीके से सूरदास ने दिखाया है ऐसे तुलसीदास भी नहीं दिखा पाए हैं, ठीक है। आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं, श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने वाली, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी, ये भी शुक्ल जी ने बोला है सूरदास जी की उनकी विशेषताओं को बताते हुए। अब आते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ सी आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। ये जो है 2017 के नेट में भी पूछा गया था, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये पंक्तियाँ उनके लिए बोली हैं, ये भी आपको याद रखना है। और सूरदास की मृत्यु पर जो है एक फेमस दोहा है जो कि विट्ठलनाथ ने बोला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुष्टि मारक को जहाज जात है, जाए कछु लेनो होए सो लेव, तो ये आपको याद रखना है। तो ये किसने बोला था, ये
ये विट्ठल नाथ जी ने बोला था। और सूरदास का अंतिम पद माना जाता है ये भी आपको याद रखना है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। सूरदास का जो अंतिम पद है, खंजन नयन रूप रस माते, अति से चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा ना समाते। और सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी बोला जाता है। तो सूरदास से रिलेटेड ये कुछ पंक्तियां हैं, ये आपको भी ध्यान रखनी है, क्योंकि कई पंक्तियों से क्वेश्चन रहता है, कोई ना कोई पंक्ति किसी ना किसी राइटर की दे दी जाती है। देखिए सभी तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ हैं जो हमेशा पूछी गई है, जैसे शोभित कर नवनीत लिए गुटरुन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, ये श्री कृष्ण जी के बारे में सूरदास ने लिखा, तो ये काफी फेमस है। सिखवत चलन जसोदा मैया अरब कर पानी गवय डगमय परोधैया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मैया कभी बढ़ेगी चोटी कितिक बार मोहि दूध पिए, तो भाई यह अजू है छोटी। ये देखिए बलराम के संबंध में जो है कृष्ण जी अपनी मैया से शिकायत करते हैं, तो आपने कृष्ण लीला अगर देखी होगी तो इस तरीके की चीजें आप बता पाओगे, ठीक है। आगे हम देखते हैं उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट है, उदो तुम अपनो जतन करो, ये भी जो है निर्गुण कौन देश को वासी, अभी मैं बताई चुकी हूँ। मधुकर हंसी समझाई सो दे बुझाती सांच न आची, ठीक है, ये भी काफी बार उनकी पूछी गई है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना अपना, जसोदा हरी पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई जोई से कुछ गावे, मैया मोही दाऊ बहुत खिजायो। तो ये आपको ध्यान रखना है, श्री कृष्ण जी के बचपन की कुछ बातें हैं जो सूरदास जी ने दिखाई हैं। लड़िकाई को प्रेम कहो अली कैसे करी के छूटत, ये भी इंपॉर्टेंट है उनकी। आगे देखते हैं, चरण कमल बंदो हरी राय, ये भी बहुत बार पूछी गई रचना है, तो ये किसने बोली है, ये इससे संबंधित अलंकार भी पूछ लिया जाता है कि चरण कमल बंदो हरी राय, ये रूपक अलंकार है, और ये बोला किसने ये रचना, ये पंक्तियां सूरदास जी ने बोली हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। काहे को गोपीनाथ कहावत, ये भी पूछी गई है, आपको ध्यान रखना है। अति मलिन वृष भानु कुमारी, ये भी इंपॉर्टेंट है इनका, और यहाँ से कई बार अलंकार के रूप में भी ऐसे पूछी गई है। आयो बड़ो गोश व्यापारी उर्मे माखन चोर गड़े, ये बहुत फेमस है इनकी, यहाँ तो मैं आपको बताई चुकी हूँ। तो देखिए अब कुछ मीरा भाई की भी पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं, तो ज़्यादा तो नहीं, इनकी दो तीन पंक्तियाँ फेमस हैं, जैसे बसो मेरे नैनन में नंदलाल, श्री कृष्ण जी की इन्होंने पति के रूप में पूजा अर्चना की है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनसे संबंधित तीन बुक हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ, और इनसे संबंधित ये तीन चार रचनाएं ये पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं। तो बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये भी बहुत बार पूछी गई है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये भी पूछी गई पंक्ति है नेट में। और जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं रसखान, रसखान जी की भी काफ़ी कई बार नेट में पंक्तियाँ पूछ ली जाती हैं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो संग गोकुल गांव के गवर्न, देखिए इसमें तो उनका नाम ही आ गया, तो यहाँ बता सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, या लकटी अरी कमरिया पर राज तिनुपुर को तजी डारो, ये पूछी गई है। और मोर पंखा सिर ऊपर राखियो कुंज की माल गले पहिरोंगी, ओडी पिताम्बर ले लकुटे बन गोदन ग्वालन संग फिरोंगी, तो ये बहुत बार पूछी गई है आपको, ये याद रखना है अच्छे से। तो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हम आपको पंक्तियां बता रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए अब क्या होता है कि भक्ति काल में जो है कुछ अकबारी दरबार के काव्य थे, भक्ति काल के दरबारी कवियों का कुछ काल क्रमानुसार विवरण यहाँ पे दिया गया है। तो ये अकबर के काल में जो है, भक्ति काल जो है अकबर के समय टाइम पीरियड में भी था, तो उस समय में भी कुछ रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पे हम बताते हैं। पहले तो टोडरमल बहुत फेमस है, टोडरमल नर हरि महापात्र बीरबल तानसेन गंग पृथ्वीराज और रहीमदास, इसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ गंग कवि की पूछी गई है, जैसे गंग पदावली गंग पचीसी गंग रत्नावली, इनके नाम से ही है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पृथ्वीराज की भी पूछी गई है, जैसे श्यामलता वसुदेव गंगा लहरी, इनकी फेमस है। और रहीमदास को आपको बिल्कुल अच्छे से रखना है, ये किसके टाइम पीरियड के हैं, ये अकबर के टाइम पीरियड के हैं, ये आपको याद रखना है। इनकी है दोहावलिया सतसई बरवे नायिका भेद नगर शोभा मदनाष्टक, मदनाष्टक काफ़ी बार पूछी गई है। खेल कोतकुम भी इनकी काफ़ी बार पूछी गई रचना है। रास पंचाध्याय, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनकी जो है फेमस फेमस थी। अब रीति काव्य से संबंधित भी कृष्ण काव्यधारा में कुछ चीज़ें लिखी गई हैं। हिंदी की रीति काव्य परंपरा में रचनाकाल की दृष्टि से सर्वप्रथम कवि कौन है, कृपाराम है। तो रीति काव्य परंपरा सबसे पहले किसने चलाई थी, कृपाराम जी ने चलाई थी। कृपाराम ने दोहा छंद में ही तरंगणी नाम का एक रीति काव्य लिखा था। अब इनसे संबंधित कभी कभी कुछ आपको पता होना चाहिए। हित तरंगणी जो है ब्रज भाषा में रचित हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिंदी सतसई काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है,
तो वह हित रंगणी है जो कि कृपा राम जी ने लिखा है। ठीक है, अब इनसे संबंधित जो है हम वैसे इतना पूछा नहीं गया, लेकिन मुबारक की आप एक बार देख लीजिए, मुबारक की कई बार 2017 के नेट में पूछी गई है। नेट का जो पैटर्न है थोड़ा सा अब टफ हो गया है, तो इसलिए आपको डीपली चीज़ें पता होनी चाहिए। मुबारक की जैसे तिलक शतक ये पूछी गई, तिलक शतक और अलग शतक दो ही हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है। और नियामत खां जान की भी पूछी गई है, रस कोश, कवि वल्लभ, सिंगार तिलक और रस मंजरी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो देन वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे नेट से पहले, 100% आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। जिन बच्चों ने आप हमारी पिछली 3 वीडियो भी लगा के देख सकते हैं, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है वहाँ से भी। तब तक के लिए जय हिंद।